तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज होने वाले दो मुकाबलों की, जो हो रहा है किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, और दूसरा मुकाबला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। तो दोस्तों, मैं अपने विचार प्रकट करूंगा इन दोनों मुकाबलों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं जो मुकाबला हो रहा है किंग्स इलेवन पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स से। देखिए, एक बढ़िया मुकाबला है, लेकिन दोनों टीम में किसका पलड़ा भारी है इसकी बात करते हैं। तो बैटिंग में तो राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स आगे हैं, और दोनों ही टीमें जो है चोट से जूझ रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बोली है दोनों टीमों की वो चोट से जूझ रही है। राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स के स्टार खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन को टेस्ट की वजह से चोटिल होने के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, जो कि उनको टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ जो किंग्स इलेवन पंजाब है, उन्हीं की टीम में भी कई खिलाड़ी चोटिल होकर अपना नाम वापस ले चुके हैं। और दोस्तों, जो बात है बोली में दोनों टीमों में इक्वल है, दोनों की बोली कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि तो जो रविचंद्र अश्विन थे उनकी वजह से जो राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स की बोली थी वो अच्छी थी, लेकिन अब वो बोलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है उनके जाने के बाद। तो जो है राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब में भी बोली की खास नहीं है, कोई ज़्यादा पेसर नहीं है, लेकिन फिर देखते हैं आज क्या होगा। मुझे तो लगता है कि राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स का पलड़ा भारी है। और जो अब हम अगली बात करते हैं अगले मुकाबले की, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस